राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास करके नीतीश सरकार में जो मंत्री हैं या फिर हिंदुस्तानी आवाम पार्टी हो, VIP हो या अन्य दल हो, जो भी सोच रहे हैं कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होना है, कयास लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि क्या होगा, उन सारे लोगों पर अचानक से एक विराम लग गया है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को रखते हुए कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे कि नए साल में क्या कुछ होगा, 2022 एक नए टर्निंग पॉइंट के साथ आएगा, इन सब बातों को लेकर के जितनी भी चर्चाएँ हो रही हैं उन चर्चाओं को साल के दूसरे दिन ही नीरज कुमार ने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि आने वाली बिहार की राजनीति में क्या कुछ होना है। जैसा कि आप सबको पता है कि दो दिन तीन दिन पहले ही ललन सिंह का बयान आया था और ललन सिंह ने अपने बयान में स्पष्ट तरीके से कहा था कि अगर कांग्रेस को थोड़ा सा उदार हो जाती है तो बहुत कुछ बदल सकता है। कांग्रेस ने 1 तारीख को ही मीटिंग करके बहुत सारी बातें कही और उन्होंने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार को पहले भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते चलते नीतीश कुमार कहीं ना कहीं छुप गए हैं या फिर बिहार का विकास अवरुद्ध हो गया है। कई ऐसी बातें रखते हुए जिस तरह से नीतीश कुमार को एक निमंत्रण दिया गया उसके बाद से माहौल कुछ दूसरे तरह का था, और यह भी देखा जा रहा था कि लगातार तेजस्वी यादव अपने सारी छुट्टियों को कैंसिल करके पटना में हैं और इसको लेकर के भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उथल पुथल मचा हुआ था, लेकिन इन सब बातों को लेकर के जो ललन सिंह का वो बयान था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, अटल आडवाणी वाली ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बदली हुई है। ये भी बात इस तरफ इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लेने की स्थिति में जदयू आ गई है। लेकिन अचानक से नीरज कुमार ने साल के दूसरे ही दिन जो बयान दिए हैं वो बयान कहीं ना कहीं बड़ी कटुता जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में दर्शाती है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि नीतीश कुमार एक नई धारा की तरफ बढ़ रहे हैं, वो धारा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों से बिल्कुल अलग है। अब देखने वाली बात होगी कि जो बयान नीरज कुमार ने दिया है, जो कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और उनके बयान को काफ़ी तवज्जो दिया जाता है, उनके इस बयान को लेकर के जिसमें उन्होंने झारखंड में शिक्षा को लेकर के और वहाँ के शिक्षा मंत्री के शिक्षा को लेकर के और जिस तरह से तेजस्वी यादव पर हमला किया है उसे देख करके तो स्पष्ट लगता है कि संबंध कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये कहना बड़ा ही जल्दबाजी होगी कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। जब लंबे समय के दुश्मनी के बाद दोनों 2015 में एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं तो आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन नीरज कुमार का बयान आपको जरूर सुनना चाहिए और इससे आप क्या निर्णय लेते हैं, क्या फैसला करते हैं और आपको क्या समझ में आती है, ये जरूर सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लीजिए क्या कहा है नीरज कुमार ने। गठबंधन दल को एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने 54 वर्ष की उम्र में इंटर की परीक्षा देने का निर्णय लिया और मंतव्य दिया कि शिक्षा का कोई उम्र सीमा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल जो उनकी सहयोगी पार्टी है उसके बिहार में जो शीर्ष नेतृत्व है उनको सक्षम माध्यमिक विद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने माध्यमिक विद्यालयों का जाल बिछा दिया, जहां मर्जी करे सक्षम डिग्री के आधार पर, पात्रता के आधार पर सक्षम माध्यमिक विद्यालय में नामांकन लेना चाहिए। राजनीति में ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है, इसके लिए लज्जा नहीं बल्कि गौरव के साथ माध्यमिक विद्यालय में नामांकन कराना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816।